मुझे जहां तक लगता है कल का वीडियो शायद तुम सबने देख लिया होगा। कल मैंने बात किया था किड को लेके कि आखिर वो किस बर्न स्कार वाले बंदे से मिलने की बात कर रहा था। आज हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज को लेके, जैसे कि बगी और कारिबू। अब हाँ, पिछले वाले वीडियो पे किसी बंदे ने बोला था कि भाई मांगा स्पॉइलर अलर्ट दे देना। देखो यार, वो वीडियो मांगा से रिलेटेड ही था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी चलो मांगा स्पॉइलर अलर्ट दे देते हैं ताकि अगली बार से कोई कमेंट बॉक्स में ये ना बोले। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारिबो की। भाई देखो, उस बंदे को दो दो एंसेंट वेपन का लोकेशन पता है कि आखिर वो कहां पर है, पोसाइडन और प्लूटोन। और ये बंदा किसी न किसी को जाके बताएगा, ये बात तो 100% कंफर्म है। अब सवाल ये उठता है कि ये जाके किसको बताएगा। ज्यादातर वन पीस फैंस के दिमाग में आ रहा होगा कि वो ब्लैक बियर्ड को जाके बताएगा, और ऐसा ओडा हमारे साथ बहुत बार कर चुका है। जो चीज हमें लगता है उधर कभी नहीं होता है। और अभी जब सारे वन पीस फैंस ना ब्लैक बियर्ड के तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अब देखना ओडा घुमा देगा और किसी और चीज के तरफ ही देगा। देखो मैं पर्सनली एक बात को, मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैक बियर्ड की बात कर रहा है। वो ब्लैक बियर्ड के जाके बताएगा भी तो ब्लैक बियर्ड कोई काम नहीं करने वाला। तुम अब बोलोगे कैसे, ब्लैक बियर्ड तो रॉस्टी ज़ेबक कविल को कैरी करता है। देखो यार, रीजन सिंपल है। अगर उसको एंसेंट वेपन चाहिए तो उसको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक फिशमैन में हमला, दूसरा वानो में हमला। और ये दोनों हमला अगर वो करता है ना भाई, वो पूरी तरह से वर्ल्ड के सामने आ जाएगा। तुम एक बात गौर करना, ब्लैक बियर्ड हमेशा से किस टाइप का पता है, डायरेक्ट पंगा किसी से नहीं लेता, वो अपने प्लान के हिसाब से ही चलता है। और वो ना अपने प्लान को पूरे वर्ल्ड के सामने आने नहीं देता है। उसको व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चाहिए था, उसके लिए क्या क्या नहीं किया वो भाई, एस को पकड़वाया। और भाई व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट भी कब चुराया सबको पता है, मरीन फोर्ट में लास्ट टाइम में, जब व्हाइट बियर्ड मरने के कगार पे था। वो इस टाइप का बंदा है ना, पूरे वर्ल्ड को लड़वा के अपना काम निकालता साइड से। और अगर वो डायरेक्ट जाएगा ना फिशमैन आइलैंड या फिर वानकुनी में हमला करेगा, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ब्लैक बियर्ड होने वाला। अब सवाल उठता है कि कारिबो किसको जाके बताएगा, क्या वो सैंक्स को जाके बताएगा या फिर किसी और को। देखो सैंक्स को भी बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सैंक्स का कुछ अलग ही मोटिव है, वो कुछ और ही करना चाहता है। तुम अब बोलोगे तो क्या वो मरीन को जाके बताएगा, तो नहीं भाई, मरीन को भी वो जाके नहीं बताएगा, बिकॉज मरीन को बता के भाई कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसको वो लोग जेल में डाल देंगे। ये तो वही बात हो गया, तुम अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी बता के उसको और ताकतवर करो। अब तुम सोच रहे होगे किसको बताएगा वो। भाई देखो, मेरे को जहां तक लगता है वो जाके रेवोल्यूशनरी आर्मी को बताएगा, वो जाके ड्रैगन से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। अब क्यों, सबसे पहले तो हमें ये बात पता है भाई, ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों की पटती नहीं है, वो दोनों भाई आपस में भिड़ते रहते हैं। रेवोल्यूशनरी आर्मी भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम एक टाइम पे सोचो, कारिबो अगर चला जाता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास और उन्हें बता देता है एंसेंट वेपन की जानकारी। लूफी ने कहा है उसको एंसेंट वेपन का जरूरत नहीं है फिलहाल के टाइम पे, और कारिबो जाकर के मान लो बता देता है मंकी डी ड्रैगन को, और मंकी डी ड्रैगन तुम सबको पता है वो किस टाइप का बंदा है, तुम सबको पता है वो कौन है। और बाय चांस अगर मान लो रेवोल्यूशनरी आर्मी एंसेंट वेपन को अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रैगन जाके ले लेगा, लेकिन अगर मैं कारिबो होता तो मैं जाकर के ड्रैगन को ही बताता, बिकॉज देखो उसका भी प्रॉफिट है और ड्रैगन का तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। एंसेंट वेपन अगर हाथ में आ जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट को, तो फिर भगवान ही बचा है। प्लूटोन ले जाके हमला कर दो, साला कौन ही उसके आगे टिकेगा भाई, आइलैंड उड़ा सकता है एक शॉट में। बात पोसाइडन की, तो पोसाइडन का पावर भी तुमको पता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे को क्या लगता है मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं बग्गी पे। बग्गी एक ऐसा कैरेक्टर है ना, किसी को नहीं पता वो क्या करने वाला। भले ही क्लाउन टाइप का कैरेक्टर है, मजाकिया टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन ये जो बंदा किया है ना भाई, क्रॉस गिल्ड पहले तो बनाया, उसके अंडर उसके साथ अलायंस में आ गए हैं मिहॉक जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, और दूसरा आया है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कितना स्मार्ट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अकेले दम पे भाई पूरा अलबास्टा में सिविल वॉर छिड़वा वाला था, और वो अल्बास्टा को कब्जे में भी ले लेता अगर लूफी वहां नहीं आता। अब ये लोग दोनों ना अलायंस में बग्गी के साथ। अब हाँ, बग्गी ने क्या किया है भाई, मरीन्स के ऊपर बाउंटी डाल दिया। तो क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उल्टा सीन होने वाला है, जो मरीन पायरेट्स के ऊपर बाउंटी लगा के उनको पकड़ती थी, इंपेल डाउन में कैद करती थी, अब क्या ये लोग जाकर के मरीन का हंट करेंगे। अब मैं जरा आकाइनो के बात को याद कर रहा हूँ, उस बंदे ने कहा था वो गलत एरा में फ्लीट एडमिरल बन गया, लेकिन जो कुछ भी हो उसको घंटा फर्क नहीं।
नहीं पड़ता, वो जवाब देगा। भाई देखो, जिस हिसाब से बग्गी ने काम किया है, और अगर क्रॉस गिल्ड वाले मरीन्स के ऊपर हमला करते हैं, भाई मरीन्स को ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हॉकाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अकेला बंदा क्या कर सकता है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं। भाई हॉकाई वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, सैंक्स का राइवल है, और सैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हाँ यार, ये क्रॉस गिल्ड वाले जा करके अगर मरीन पे हमला करते और मरीन्स को पकड़ के जेल में डालते हैं, शायद क्रॉस गिल्ड वाले कुछ अलग टाइप का उनका जेल बना है। अब देखो, जिस हिसाब से यार वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद हुआ, उसके बाद मरीन्स जो है पकड़ने गए थे, हॉकाई तो बची जाता। अब हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे हॉकाई के बॉडी में स्कार है, पता नहीं वो कैसे आया, किसी के साथ शायद फाइट करते हुए आया होगा, हो सकता है कोई एडमिरल गया होगा, वो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन तुम एक टाइम पे सोचो, जिस बंदे ने हॉकाई को स्कार दिया, उसके बाद हॉकाई उसका क्या किया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। बट ये जो क्रॉस गिल्ड वाले अब करने वाले है ना भाई, बहुत ज्यादा आतंक मचाने वाले हैं, जाके भाई मरीन्स के ऊपर हमला करेंगे, मरीन्स का शिकार करेंगे। और अगर ऐसा होता है ना, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा पता है? रेवोल्यूशनरी आर्मी वालों, क्योंकि जब भी ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट पे हमला करते हैं भाई, ये मरीन्स ही आ जाती है। और अगर मरीन के पीछे क्रॉस गिल्ड वाले पड़े हुए होंगे, तो मरीन का जो पूरा पावर है ना, वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के तरफ नहीं रह पाएगा। बिकॉज देखो, अकाइनो को बहुत कुछ हैंडल करना है, उधर लूफी पे भी ध्यान देना है, फिर ये क्रॉस गिल्ड वालों पे भी ध्यान देना, और ये क्रॉस गिल्ड वाले तो भाई डायरेक्ट पंगे लेने वाले मरीन से। और मुझे जहां तक लगता है, बाकी के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, वो भी हो सकता है क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन कर लिए होंगे, लेकिन क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन के इसका अभी तक जानकारी नहीं मिला है। मैंने ऐसा बोला कि हो सकता है, अगर नहीं भी होगा तो हैरान मत होना। प्लस जैसा कि मैंने पहले भी बोला, क्रॉस गिल्ड के आने से रेवोल्यूशनरी आर्मी का काफी ज्यादा फायदा है, और यहाँ पर हमें जो है, हो सकता है फ्यूचर में रेवोल्यूशनरी आर्मी और क्रॉस गिल्ड वाले अलायंस बनाते हुए भी दिख जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल का कनेक्शन इवानको के साथ है। अब देखो यार, इसका नाम ना मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और हो सकता है क्रोकोडाइल जो है आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में, क्रॉस गिल्ड और रेवोल्यूशनरी आर्मी को साथ में कनेक्ट कर दे। और इससे क्या होगा भाई, बाकी शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग मरीन को भी छेड़ेंगे, साथ में वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी परेशान करेंगे, और उधर तो लूफी कर ही रहा है। अब देखो, मुझे जो कुछ भी बताना था मैंने तो बता दिया, मेरे को जो चीज लगता था, अब तुम सबको क्या लगता है, तुम लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। प्लस अगर तुम मेरे बात से एग्री करते हो, या फिर ये वीडियो तुमको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पे घूमते घामते नए आ गए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहूंगा। खैर यार, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।